Hello, intelligent boys and girls. Welcome to DKB tutorial. How are you, students? Are you fine? Okay, let's start. Students, इससे previous videos में मैंने आप लोगों को बताया था the refractive index. बहुत सारे questions भी कराए, काफ़ी broad concept था refractive index का. अगर आप लोगों ने नहीं देखे then please go back to the playlist and watch them. ओके और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. और एक लाइक तो बनता है नहीं, एक नहीं बनता, बहुत सारे लाइक्स बनते हैं. ओके, इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू लेंस. लेंस क्या होते हैं? आई मीन्स द नाउ आई एम गोइंग अ नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल लेंसेज. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमने आपको पढ़ाया था. इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लेंसेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट द लेंसेस. एक छोटी सी डेफिनेशन, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस. ओके, टू स्फेरिकल सरफेसेस हो, सपोज करो हमारे पास में टू स्फीयर्स हैं. एक स्फीयर ये है स्टूडेंट और एक स्फीयर ये है. दोनों सेम रेडियस के होने चाहिए, मीन्स छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए. एक तो हमने इस तरह से इनको बाउंड कर दिया, चिपका दिया एक दूसरे से, और एक हमने इनको इस तरह से मिला दिया. ओके, तो इनका जो कॉमन पार्ट है उसको रहने दो, बाकी सारे पार्ट को रफ कर दो. ओके, कॉमन पार्ट को हमने लिखा रहने दिया, बाकी सारे पार्ट को रफ कर दिया. आप देख रहे हो हमारे पास में दो तरह के सरफेस बन गए. इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, एंड दिस इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस. डेफिनेशन कैसे बनाते हैं कॉन्वेक्स की और कॉनकेव की? आप देख रहे हो स्टूडेंट, ये जो लेंस है ये मिडिल में, लेंस मिडिल में कैसा है? थिन है. और एजिस पर कैसा है? थिक है, मोटा है. ये लेंस कैसा है? ये लेंस मिडिल में कैसा है? थिक है. मिडिल में तो थिक है, लेकिन जैसे जैसे एजेस पर जा रहे हैं, एजेस मतलब किनारे, किनारों पर कैसा है? थिन हो गया है. ऐसे लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स और इस लेंस को बोलते हैं हम कॉनकेव. डेफिनेशन चलो यहीं पे लिख देते हैं, थिन थिक, थिन इन द मिडिल एंड थिक एट द एजेस. ओके, एजेस पर थिक है और मिडिल में थिन है. यहाँ पर इसको कन्वर्स करके लिख देना, थिन एट द एजेस, थिक इन द मिडिल. इन दोनों ही लेंस को हम क्या बोलते हैं? इसको कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है और इसको कॉनकेव लेंस बोला जाता है. स्टूडेंट याद करो, जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ाया था आपको स्फेरिकल मिरर से, तब कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस कराई थी, जैसे पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ये सारी डेफिनेशन हमने बताई थी और कहा था कि इनको अच्छे से याद करना है ना. याद नहीं किए हैं तो पहले उस वीडियो को देख लो, याद कर लो अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं. यहाँ पर भी हम छोटी छोटी डेफिनेशन आपको बताने वाले हैं. सबसे पहली डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर. ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? जैसे वहाँ पर पोल की डेफिनेशन थी, वो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन होगी. सेंटर ऑफ लेंस, ओके, इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. इसका कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. यहाँ भी होगा, इसको भी हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर. रिप्रेजेंट कर देते हैं ओ से. ओके डियर स्टूडेंट, सेकंड थिंग, प्रिंसिपल एक्सिस
जो डेफिनेशन मिरर में थी कुछ वैसी डेफिनेशन लेंस में भी होगी। एक ऐसी लाइन जो लेंस के दोनों ही सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। लेंस आप लोगों ने देखा होगा, एक परपेंडिकुलर लाइन जो क्या होनी चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। परपेंडिकुलर लाइन ऑन बोथ द सरफेस, दोनों ही सरफेस पर क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए एंड पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास भी होनी चाहिए। इस लाइन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, थोड़ी बड़ी बना देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाए। थर्ड पॉइंट, फोकस। फोकस क्या होता है, तो फोकस की डेफिनेशन में हमने आप लोगों को मिरर वाली बात, जैसे मिरर है बिल्कुल डिटो लेंस है, बस थोड़ा सा वर्डिंग का अंतर है स्टूडेंट और थोड़ा सा डायग्राम का अंतर रहेगा। अगर आपने मिरर वाला पोर्शन अच्छे से किया है ना, स्फेरिकल मिरर का, कॉनकेव मिरर, कॉनवेक्स मिरर, तो यहाँ आप प्रॉब्लम फील नहीं करोगे 100%। आई एम डैम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंसेज, अगर आप लोगों ने मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो। इसलिए मेरा सजेशन है, रिक्वेस्ट है, अगर आपने मिरर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो पहले मिरर वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पक्का करें, उसके बाद में इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द लेंस पढ़ें, तभी बात ये बात तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो फोकस के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं, फोकस क्या होता है। फोकस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, आपको तीन क्वेश्चन के आंसर चाहिए। कितने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए स्टूडेंट, थ्री क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। पहला क्वेश्चन कि फोकस क्या होता है, गुड, फोकस एक पॉइंट होता है, आप लोगों को इतना तो याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कि फोकस कहाँ होता है, आपके घर पे होता है या हमारे घर पे होता है, बताओ। फोकस क्या होता है, फोकस एक पॉइंट होता है, ये तो बात क्लियर है, कहाँ पर होता है, एट योर हाउस और एट माइन, तो सर ना तो हमारे घर पे होता है नहीं आपके घर पे होता है, फिर कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है, कहाँ पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। इतनी बात याद हो गई, व्हाट इज फोकस, फोकस इज अ पॉइंट वेयर एट प्रिंसिपल एक्सिस। अब कैसा होता है ये समझते हैं। सपोज मेरे पास में स्टूडेंट एक कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट एक फोकस इस वाले सरफेस के लिए होगा और एक फोकस इस वाले सरफेस के लिए होगा, मतलब लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, F1 एंड F2। आप सोचो मिरर वाले कॉन्सेप्ट को लगा के, एक फोकस इस वाले लेंस के लिए, सरफेस के लिए होना चाहिए और एक फोकस इस वाले, इसका फोकस इधर रहेगा, इसका फोकस इधर जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से कंप्लीट होना है और ये वाला इस तरह से कंप्लीट होना है, करेक्ट। याद रखिएगा जितनी डिस्टेंस पर ये वाला फोकस बना रहे हो उतनी ही डिस्टेंस पर ये वाला फोकस बनाइएगा, जब आप डायग्राम बनाओ तो स्केल से है ना अच्छे से बनाना, मेजर करके आप एक फिक्स डिस्टेंस लेना, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर पर ये है तो उतनी ही डिस्टेंस पर ये होना चाहिए। कोई लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रूल याद करो रिफ्लेक्शन में कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। वहाँ पर तो लाइट क्या होती थी, रिफ्लेक्ट होती थी स्टूडेंट, वापस लौट के आती थी, क्यों, क्योंकि आगे वाले सरफेस पे पॉलिश होती थी, यहाँ पर पॉलिश जैसी तो कोई चीज़ है नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बेंड होगी, तो ये भी कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। रूल वही है, इफ़ द लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू द फोकस, एक्चुअल में पास हो रही है। तो आप ये भी बात समझ गए होंगे कि ये जो फोकस है ये कैसा है, ये रियल फोकस है। ओके, ये फोकस कैसा, और स्टूडेंट ये लाइट रे आपको ये जो बीच वाली लाइन है ना यहाँ से बैंड होती हुई शो करनी है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना। ओके, अगर यही बात हम कॉन्वेक्स, ये तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस हो गया,
इसी कॉन्सेप्ट को हम कॉनकेव लेंस पर फोकस करें, कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तब क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, इस सरफेस के लिए फोकस इधर रहेगा F1 और इस वाले सरफेस के लिए फोकस इधर रहेगा F2। एक और बात समझ गए होगे स्टूडेंट कि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइट बीम को किसी एक पॉइंट पर फोकस कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पर देखते हैं, ओके, ये कोई लाइट है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, ये लाइट को कन्वर्ज नहीं करता, ये लाइट को डाइवर्ज करता है, ओके, ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है। तो क्या लाइट इस फोकस से तो पास नहीं होने वाली है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी, ओके। एक और लाइट ले लेते हैं हम, लाइट रे को ये क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंस, इसको क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ये फोकस कैसा है, ये फोकस वर्चुअल है, दिस इज वर्चुअल फोकस। व्हाई इट इज वर्चुअल, बिकॉज द रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आर नॉट मीटिंग ईच अदर, दे आर जस्ट अपीयर टू मीट ईच अदर, एंड दिस फोकस इज रियल फोकस। व्हाई Why it is real? Because the refracted light rays are actually meeting each other. That's why it is real focus, it is virtual focus. ये भी बात समझ लो स्टूडेंट, मिरर में कंपेरिजन करो, मिरर में जो रियल बात होती थी वो कॉनकेव में होती थी, कॉनकेव में फोकस रियल था, कॉन्वेक्स में फोकस वर्चुअल था। यहाँ पर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस है और कॉनकेव लेंस में वर्चुअल फोकस है। मिरर का कॉन्सेप्ट और लेंस का कॉन्सेप्ट, ये डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का और रियल और वर्चुअल का अपोजिट है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मिरर में क्या था, लेंस में क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फोकस को डिफाइन करना है, फोकस क्या होता है, फोकस इज ए पॉइंट, कहाँ पर है, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, सही है ना, इतनी बात क्लियर है कि फोकस क्या होता है, फोकस एक पॉइंट होता है, कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। अब कैसा होता है, वेयर अ बीम ऑफ लाइट, जैसे स्टूडेंट हमने पहले फोकस की डेफिनेशन लिखी थी वही यहां पर लिखनी है, बस एक दो वर्ड वहां पर रिफ्लेक्शन था, यहां पर रिफ्रैक्शन होगा। वेयर बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इधर मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, ओके, जहाँ पर लाइट रिफ्रैक्शन के बाद या तो एक्चुअल में मिलेंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी। अगर कॉन्वेक्स लेंस है देन लाइट रेज विल एक्चुअली मीट ईच अदर, इफ कॉनकेव लेंस है देन लाइट रेज विल अपीयर टू मीट ईच अदर। तो आई होप कि फोकस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक और बात स्टूडेंट, हमने आपको बहुत बात बताया है, बहुत बार बताया है, कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव कुछ भी हो फोकल लेंथ नेगेटिव। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस है वो आप देख रहे हो लाइट रेज की डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी ये डिस्टेंस, ओके, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यहाँ पर जो फोकस है वो लाइट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो फोकल लेंथ रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। तो इतना कॉन्सेप्ट समझो कि लेंस वगैरह क्या होते हैं, फोकल लेंथ की डेफिनेशन समझो। मिलते हैं आने वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।